जिला पंचायत 2328 से नहीं जीत सका, अपने भाई को मनोज निषाद को नहीं जीता सका, वो क्या विधायक ही जीतेगा बताइए। जद्दूपुर का कांड, उसी के घर से गिरफ्तार किया गया, मर्डर किया हुआ जो हत्यारा था, वो क्या विधायक ही जीतेगा। न्यूज की टीम इस समय रुद्रपुर विधानसभा में खड़ी है। यहाँ पे प्रत्याशियों को जो एक अभी यहाँ से निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं प्रदीप यादव जी, उन्हीं के समर्थक हैं। आइए देखें समर्थकों क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। हमारा कहना है कि हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से थे। हमारे नेताजी जो प्रदीप यादव जी हैं, कम से कम 25 साल से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। उन्होंने पार्टी के लिए अपना जी जान से मतलब 20 साल संघर्ष किए। बाढ़ का कोई भी बाढ़ सूखा या किसी के घर मतलब कोई दुख में हमेशा साथ हमेशा एकदम बिल्कुल साथ थे। पार्टी ने उनके साथ पार्टी ने इंसाफी किया। उन्होंने 2012 में टिकट देने के लिए वादा किया, काट दिए। 2017 में टिकट दे के काट दिए। फिर 2022 में इस साल भी उन्होंने टिकट देकर काट दिया। उन्होंने नेताजी के साथ बहुत गलत किया है। हम लोग समाजवादी थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जो यहाँ का प्रत्याशी जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर घोषित किया है, वह एक नंबर के मतलब दंगाई आदमी है। उसके ऊपर संगीन मुकदमे है, वो बाहरी आदमी है। रुद्रपुर की जनता हमारे स्थानीय नेता को, जिन्होंने हमारे सुख दुख में साथ दिया, उनको चाहती है। उन्होंने टिकट काट के बहुत बड़ी गलती की है और निर्दलीय के रूप में हम लोग सब प्रदीप यादव जी को विधानसभा भेज कर दिखाएंगे कि यहाँ जो नेता स्थानीय उसी को जीत चाहिए, बाहरी नेता यहाँ नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो प्रदीप यादव जी को आज मैंने आंखों भरे आंसू में देखा, पूरे आंसू से भीगे हुए थे। इस जनता इसका हिसाब देगी, एकदम बिल्कुल देगी, तैयार हैं, तैयार एकदम तैयार है जनता। सूद समय क्या बोल रहा है, समय देगी जनता। यहाँ की जनता इतना कष्ट में है। प्रदीप यादव जननेता थे लोगों के, गरीबों के, हर मजदूरों के, लेकिन क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने 5 घंटे क्या 50 घंटा में टिकट काट दिया है। आज जनता इनको प्रदीप यादव को भरपूर समर्थन है और इकान मतों से यहाँ की जनता इनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप भी जनता हैं? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब हमारे अखिलेश यादव जी ने 20 साल में अनथ किए, हमारे भाई जी इनका नहीं हुए तो वो जनता का क्या होंगे? बहुत अच्छी बात। होंगे तो हमारे प्रदीप भैया होंगे, क्योंकि आपके लोकल हैं, लोकल हैं, और हम लोग के मरनी जियनी शादी विवाह में सब चीज में शामिल होते हैं। जो बुलाता है गरीब व्यक्ति, सब के दुख सुख में ये जाते हैं, शामिल होते हैं। आज जनता इनको तय करके भेजेगी कि यहाँ के हमारे भैया प्रदीप यादव कैसा विधायक। रुद्रपुर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निषादों का गढ़ माना जाता है और निषाद फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। इस जातीय समीकरण को कैसे साधा जाए? हर जात के लोग उनके साथ हैं। बेचारे के नाम पर, बेचारे इतना मेहनत किए, 20 साल से बच्चा मर गया, टिकट देकर काट दिया है। सहानुभूत है जनता का, जात धर्म सब टूट गया है। यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, सामने आइए। हाँ, क्या कर रहे हैं? हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं, क्योंकि 25 सालों से निरंतर विधानसभा 336 रुद्रपुर में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे निषाद हो, चाहे चौहान हो, हर वर्ग के घरों गए हैं। हर वर्ग सब लोग विधानसभा में, कोई ऐसा नहीं है कि प्रदीप यादव को जानता नहीं है, चाहे प्रदीप यादव उनको जानते नहीं है। बाय फेस बाय नेम जानते हैं। हाँ, संघर्ष किए तब जानते हैं, क्योंकि उनको संघर्ष किए हैं और वो निर्दल जीत के जाएंगे विधानसभा में, जाएंगे निर्दल जीत के, ये हमारा वादा है। जनता इस समय प्रदीप चिल्ला रही है, क्या कह रहे हैं आप? आपने सर्वे किया होगा, देखा होगा कि किस तरीके से लोग, उसी सर्वे की ही आवाज बता रहा हूँ। तो पूरी जनता पुकार रही है सर प्रदीप यादव, विधायक बन रहे हैं और इस बार विधायक भी बन रहे हैं। हर युवाओं की पुकार है प्रदीप यादव, पूरी गांव की जनता, महन बेटी, सब लोग यही कह रहे हैं प्रदीप यादव उनके साथ गलत हुआ है। जो इंसान 20 साल से मेहनत कर रहा हो उसको टिकट न देकर, जो दो महीने से आकर इस विधानसभा में मेहनत कर रहा हो, वो प्रत्याशी जो है जो विधानसभा में आकर लड़ रहा है वो किसी और विधानसभा का है। क्या रुद्रपुर के नेताओं का हक नहीं है कि चुनाव लड़े? हाँ, ये सीधे बुनियादी मुद्दा नेता कोई नहीं है कि जो चुनाव लड़े, तो रुद्रपुर का नेता ये चुनाव किया है, रुद्रपुर की जनता ने चुना है कि प्रदीप यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा और प्रदीप यादव को विधानसभा भेजने का काम किया जाएगा। 20 सालों से लगातार पार्टी का झंडा धोते रहे, धरना प्रदर्शन करे, बाढ़ क्षेत्रों की दौरा किए, पुलिस की लाठी खाए,
केस हुआ, सारी चीज़ ऐसा है, सारे दुख सुख में गए, 20 सालों से मेहनत वो किए, और आज टिकट देने की बात आई है तो किसी और को लड़ा रहे हैं। आज उनको टिकट देना चाहिए, टिकट दे के छीन लिए। ये कहा जो उम्मीदवार उतारा है राम भुवाल निषाद को, वो कहीं ना कहीं पैराशूट उम्मीदवार है जी। ऐसा जो जिला पंचायत 2328 से नहीं जीत सका, अपने भाई को मनोज निषाद को नहीं जीता सका, वो क्या विधायकी जीतेगा बताइए। जद्दूपुर का कांड, उसी के घर से गिरफ्तार किया गया, मर्डर किया हुआ जो हत्यारा था, वो क्या विधायकी जीतेगा? ये रही जनता की राय, देखने में ही डाकू लगते हैं। ये रही जनता की राय, अब आने वाला वक्त बताएगा कि वास्तव में यह जनता का जो वोटिंग है वो किधर शिफ्ट होगा। एबी न्यूज के साथ मैं सईद आलम खान।